नमस्कार, मैं हूं आचार्य डॉक्टर प्रेम शंकर त्रिपाठी। आप सभी का हमारे कार्यक्रम भाग्योदय में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज से आषाढ़ कृष्ण पक्ष प्रारंभ हो रहा है। इस आषाढ़ माह में 2 जुलाई और 16 जुलाई को ग्रहण है। 2 जुलाई को सूर्य ग्रहण खंडग्रास जबकि भारत में अदृश्य है, और 16 जुलाई को चंद्र ग्रहण जो भारत में दृश्य है, और बीच में बहुत सारे ऐसे दिन हैं जो महात्माओं के या और महापुरुषों के दिन हैं, वो समय समय पर हम बताएंगे आपको। और इस बार आषाढ़ कृष्ण पक्ष में वर्षा कम होगी, यानी 2 जुलाई तक वर्षा कम होगी। आपको हम आषाढ़ शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के बारे में भी बताएंगे। ज्वालामुखी योग जो आज 11:50 दिन में है तक है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। और ज्योतिष में आपको ये खास चीज़ बताएंगे कि अपने हाथों के दर्शन से आपको कितना लाभ मिलता है। दैनिक राशिफल के बारे में बात करेंगे, मूलांक के बारे में बात करेंगे, वास संबंधी एक महा उपाय बताएंगे, आपके द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देंगे, दिन को बेहतर करने के लिए एक सुझाव देंगे। लेकिन सबके पहले आइए जानते हैं आज का पंचांग। आज 18 जून 2019 दिन मंगलवार, आषाढ़ माह कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि दोपहर के बाद 2:31 तक है। मूल नक्षत्र दोपहर के पहले 11:50 तत्पश्चात पूर्वाषाढ़ा लगेगा, और आज शुक्ल योग सायंकाल में 7 तक, तत्पश्चात ब्रह्म योग लगेगा। चंद्रमा धनु राशि में 11:50 दिन में प्रवेश करेगा। लखनऊ में राहु काल दोपहर के बाद 3:34 से 5:18 तक है। मंगलवार का दिन है, उत्तर दिशा शूल है, यात्रा नहीं करना है, और यदि यात्रा करना आवश्यक है, थोड़ा सा गुड़ खाकर आप यात्रा करें तो यात्रा मधुर होगी और बहुत उत्तम होगी। अब आइए बात करते हैं वास संबंधी। आषाढ़ माह में गुड़ पानी में घोलकर और घर में छिड़काव करें, सात्विकता बढ़ेगी, वास देवता प्रसन्न होंगे। छोटी छोटी घंटियाँ बजाएं, बहुत लाभ होगा। और कपूर को भी आप पानी में घोल करके छिड़काव करें, लाभ होगा। अब आइए बात करते हैं ज्वालामुखी योग की। ये कौन सा योग होता है? मंगलवार का दिन हो और मूल नक्षत्र, तो ज्वालामुखी योग होता है। और ज्वालामुखी योग में कहा गया है कि जन्मे तो जीवे नहीं और बसे तो उजड़े होए, और नारी पहनो भूषणों पुरुष बिहानो होए। अर्थात अगर जन्म हो ज्वालामुखी योग में तो ऐसे बालक का जीवन नहीं रहता, अधिक समय तक जीवन नहीं जी पाता। उसके लिए भी अलग अलग नियम है कि कितना ज्वालामुखी का प्रभाव है। तो 2 वर्ष 4 वर्ष 8 वर्ष, अधिक से अधिक 18 वर्ष, और बसे तो उजरे हो। कहीं अगर आप ज्वालामुखी योग में ग्रह प्रवेश कर लें, घर बनवा लें, तो आप वहाँ नहीं रह पाएंगे, किसी कारण से वहाँ से जाना ही पड़ेगा। और नारी पहनो भूषणों, अगर स्त्री आभूषण पहने तो पुरुष उसका पति मर जाए, ऐसा योग होता ज्वालामुखी। इसलिए ज्वालामुखी योग में कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए। ज्वालामुखी योग आज दोपहर 11:50 तक है, उसके बाद शुभ योग है। और आषाढ़ माह में, इस महीने में जो पूर्णिमा होती है वो गुरु पूर्णिमा कहलाती है। गुरु की कृपा होती है, आकाश से जल वृष्टि बरसती है, ऐसे गुरु की कृपा दृष्टि बरसती है, जीवन बहुत धन्य हो जाता है। इतनी सारी गर्मी के बाद थोड़ा जल का जब संयोग मिलता है तो मन हर्षित होता है, प्रकृति में हरियाली आ जाती है, और बहुत सारे आषाढ़ माह में स्थितियां उत्तम हो जाती है। योगिनी एकादशी होती है, देवराहा बाबा जयंती होती है, तो आषाढ़ माह की बड़ी महिमा है। और आषाढ़ महीने में भगवान शिव की उपासना करने पर सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है, और साथ ही साथ में धन की प्राप्ति होती है। गुणनिध ब्राह्मण ने आषाढ़ माह में ही उपासना किया था, जो आज के कुबेर हैं वो कुबेर बनाया भगवान ने। आषाढ़ महीने में हर दिन शिवलिंग पर जाना और वहाँ पर पंचामृत का अभिषेक करी,
तो आपके जीवन में धन की कमी नहीं रहेगी। भगवान शंकर को आप गंगाजल अर्पण करें, बहुत लाभ होता है आषाढ़ महीने में। और चाहे इसी में जब एकादशी आती है आषाढ़ महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी, तो हरि शयनी एकादशी, भगवान विष्णु 4 महीने के लिए सो जाते हैं, देव शक्तियां का प्रभाव कम हो जाता है। क्या कारण है? ये सूर्य का ऊष्मा ऊर्जा धरती पर कम आ पाता है, धरती पर जल तत्व बढ़ जाता है, और जब जल तत्व बढ़ जाता है 4 महीने, तो ये कहा जाता है कि देव शक्तियां अब उनका प्रभाव कम हो गया है, भगवान श्री हरि विष्णु सो जाते हैं, ये मान्यता शास्त्र में है। और जब देवोत्तरी एकादशी कार्तिक में होती है तो भगवान हरि जागते हैं। हम अल्पविराम के बाद अपनी बात को और बताएंगे। आइए पहले 4 राशियों का हाल जान लेते हैं। मेष राशि के जातक, यात्रा का योग बन रहा है, विरोधी परास्त होंगे, कोई नवीन रोग हो सकता है, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, धन के लेन देन में ध्यान दें। आज के दिन आपको चाहिए पीले रंग के वस्त्र धारण कर लें। शुभंग का आपका 1 है, भाग्य आपका 81% है। वृषभ राशि के जातक, नया पद मिल सकता है, नौकरी मिल सकती है, माता पिता को बहुत आप सुख देंगे, यानी आपके द्वारा माता पिता को लाभ होगा। और साथ ही साथ में आपको चाहिए गाय को, गौ को पका हुआ चावल खिलाएं, बड़ा लाभ होगा। काही रंग के वस्त्र धारण कर लें। शुभ अंक आपका 2 है, भाग्य आपका 82%। मिथुन राशि के जातक, संगीत में रुचि बढ़ेगी, दक्षिण दिशा में यात्रा हो सकती है, सोच समझ कर कार्य करें, माता पिता का सानिध्य प्राप्त होगा, और जानवरों को उनका भोजन दें। आज के दिन हरे रंग के वस्त्र धारण कर लें। शुभ अंक आपका 3 है, भाग्य आपका 73%। कर्क राशि के जातक, आपस में जीवन साथी से संबंधित किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है, घृत का दान करें, शनि के मंत्रों का भी जाप करना उत्तम है। आज के दिन आपको चाहिए कि आप लाल पुष्प श्री हनुमान जी को भी अर्पण करें, बहुत कल्याण होगा। आज आपको चाहिए लाल रंग के वस्त्र धारण कर लें। शुभ अंक आपका 4 है, भाग्य आपका 84% है। सिंह राशि के जातक, आपके पैरों में चोट लग सकती है और सिर से संबंधित कोई समस्या हो सकती है, अकारण किसी पर संशय न करें, परिजनों का सम्मान करें, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दें, और आज गीता जी का दान करना उत्तम होगा, बहुत उत्तम है कि आज सुनहरे रंग के वस्त्र धारण कर लें। शुभ अंक आपका 5 है, भाग्य आपका 55% है। कन्या राशि के जातक, दूर देश की यात्रा हो सकती है, घर में अतिथि आने का योग है, धन के मामले में सावधान रहें, अचानक कोई वस्तु गायब हो सकती है, थोड़ा सावधान रहें, फिरोजी रंग के वस्त्र धारण कर लें। शुभ अंक आपका 6 है, भाग्य आपका 68%। तुला राशि के जातक, नवीन कार्य कोई कर सकते हैं प्रारंभ, ऐसा योग है, उत्तर दिशा से शुभ सूचना मिल सकती है, संतान पक्ष से लाभ होगा, और कोई किसी धार्मिक आयोजन में भाग लेने का योग बन रहा है, उत्तम होगा श्वेत रंग के वस्त्र धारण कर लें। शुभ अंक आपका 7 है, भाग्य आपका 78%। वृश्चिक राशि के जातक, माता पिता की सेवा करें, बहुत अधिक अभिमान न करें, गर्व न करें, क्रोध न करें, जीवन साथी को सार्वजनिक स्थानों पर ले जाएं, भगवान शिव की उपासना करें, आज लोहे का त्रिशूल शनिदेव को अर्पण करें, बड़ा कल्याण होगा। आज के दिन आपको बैगनी रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए। शुभ अंक आपका 8 है, भाग्य आपका 80%। आपको बता रहे थे आषाढ़ माह की महिमा, प्रकृति में जल तत्व बढ़ता है, और जब जब प्रकृति में जल आ जाता है, वेद क्या कहता है कि रसा वैसा, वो जो ब्रह्म है वो रस है, वो तत्व है, ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक है, कहाँ से आता है? रस से आता है। कौन सा रस? भगवत रस। इसीलिए इसी माह में
पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा माना जाता है। और गुरु पूर्णिमा इसलिए कि भगवत रस, अखंड रस आकाश से बरसता है और भक्त उसमें आप्लावित हो जाते हैं, उसमें नहा जाते हैं और सात्विक अवधारणा बह चलती है। तो ये माह बड़ी कृपा का माह, कृपा होती है, देवताओं की कृपा होती है और कृपा वृष्टि होती है, कृपा जल वृष्टि होती है। तो प्रकृति में जल आ जाता है, गर्मी कम हो जाती है और प्रकृति में हरियाली आ जाती है, सुंदर सुहावना मौसम हो जाता है। श्री हरि नारायण के स्मृति करना, उनका स्मरण करना बड़ा कल्याणकारी होता है। इसी माह में कृष्ण पक्ष में एकादशी आएगी, योगिनी एकादशी आएगी, जिसमें आप बहुत चीज़ें कर सकते हैं, उस समय पर हम बताएंगे। तो इस तरह से आषाढ़ महीने में यदि आप बिल्व पत्र को उस पर राम राम लिख करके और भगवान भोलेनाथ को आप चढ़ाते हैं तो आपके मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। इस माह में आपको चाहिए कि पूरा 30 दिन तक लगातार भगवान शिव के द्वादश नामों का जाप करें, द्वादश ज्योतिर्लिंगों का आप जाप करें और नमः शिवाय मंत्रों को 24 मिनट जरूर जाप करें तो बहुत कल्याण होगा। हर तरह के दुर्योग समाप्त होंगे, कुंडली आपकी सुधर जाएगी, जन्म पत्रिका सुधर जाएगी, भाव से, विचार से, कर्म से भाग्य बदल जाता है। इसलिए ज्योतिष को वेद का नेत्र कहा जाता है, जिसे नेत्र के बिना जगत नहीं देख सकते हैं, ऐसे ज्योतिष वेद का नेत्र है, जिसको जान करके आप अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। धनु राशि के जातक क्रोध पर नियंत्रण रखें, बेर शिवलिंग पर चढ़ाना लाभकर है, गन्ने का रस मिलता है तो बहुत उत्तम है, उसको पिए भी और शिवलिंग पर चढ़ाएं, नहीं मिलता है तो गुड़ को पानी में घोल करके आप शिवलिंग पर चढ़ाएं, बड़ा लाभ होगा, धन की वृद्धि होगी। और चावल को लेकर धार की भांत चढ़ाना चाहिए शिवलिंग पर, मंत्र बोलना चाहिए ब्रहीश में, यवास में, माशास में, तिलास में, मुद्गास में, बहुत कल्याण होगा, बहुत लाभ होगा। और पीले रंग के वस्त्र का आप चयन कर लें। शुभ अंक आपका आज के दिन 9 है, भाग्य आपका 90% है। मकर राशि के जातक नया पद आपको मिल सकता है, पश्चिम दिशा में यात्रा हो सकती है, कहीं नौकरी मिल सकती है और साथ ही साथ गुरु मिलेगा जो आपके आपके जीवन को संवार देगा, ऐसा योग भी बन रहा है। आपको चाहिए कि भरोसा सतगुरु पर करें और आज के दिन नीले रंग के वस्त्र का आप चयन कर लें। शुभ अंक आपका 7 है, भाग्य आपका 77% है। कुंभ राशि के जातक वाणी पर संयम रखें, अतिथि घर में आ सकते हैं, अचल संपत्ति में वृद्धि का संकेत है और आज के दिन आप किसी धारदार वस्तुओं को दूर रखें, उसे चोट लग सकती है, चाकू कैंची आदि को दूर रखें। आज के दिन आपको गुलाबी रंग के वस्त्र पहनना चाहिए। शुभ अंक आपका 3 है, भाग्य आपका 83% है। मीन राशि के जातक शुद्ध सात्विक विचारधारा रखें, श्वेत वस्त्रों का, श्वेत पदार्थों का दान करें, परिवार में परिजनों का सम्मान करें, जीवन साथी को चांदी की वस्तु का उपहार दें, बड़ा लाभ होगा। और आज के दिन आपको सुनहरे रंग के वस्त्र धारण करना है। शुभ अंक आपका 2 है, भाग्य आपका 92%। वक्त हो गया है आपके द्वारा पूछे गए सवालों को जवाब देने का। हमें मेल प्राप्त हुआ है आलोक मिश्रा का बरेली से, इन्होंने मेल किया 16 अक्टूबर 1970, जन्मतिथि है, सायंकाल में 8:30 जन्म हुआ है। ये जानना चाहते हैं इनका व्यापार नहीं चल पा रहा है, ये अक्सर व्यापार बदलते रहते हैं, स्वास्थ्य भी गड़बड़ है, तो क्या करें, किसकी उपासना करें, ये जानना चाहते हैं कि कौन से ग्रह से पीड़ा हो रही है और व्यापार में स्थिरता कैसे आएगी, कब आएगी। आलोक जी, वृषभ लग्न की आपकी पत्रिका है, चंद्रमा शनि द्वादश भाव में मेष राशि में विष योग बना रहे हैं, छठे भाव में गुरु,
नेटिव चार्ट में है और इस समय गुरु आपका सातवें भाव में बैठा हुआ है और गुरु की दशा चल रही, गुरु में शनि चल रहा है, तो शनि के मंत्रों का जाप करने पर आपको लाभ होगा और 4 नवंबर के बाद में स्थिरता आएगी। आपको शिव भगवान की स्तुति करना चाहिए, पूजा करना चाहिए और सायंकाल में एक माला समसरसराय नमः का जाप करेंगे, बहुत कल्याण होगा। अब ये मूलांक के अनुसार समझ लेते हैं। मूलांक एक, आज ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, बहुत कल्याण होगा। मूलांक दो, वृषभारूढ़ाय नमः, इस मंत्र का जाप करिए। मूलांक तीन, नारायणाय नमः। मूलांक चार, लक्ष्मी नारायणाय नमः। मूलांक पांच, गौरी शंकराय नमः। मूलांक छः, गंगणेशाय नमः। मूलांक सात, ह्रीम लक्ष्मी नारायणाय नमः। मूलांक आठ, केशवाय नमः। मूलांक नौ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो मूलांक में हमने जाना कि मूलांक में किस मूलांक वाले कौन से मंत्र का जाप करें कि उनको आज का दिन बहुत उत्तम हो जाए, हर चीज़ें उनकी समय पर प्राप्त हो जाएं, अनुकूलता बनी रहे, इस बात को जाना। अब आइए जान लेते हैं आज के दिन को बेहतर करने के लिए सलाह। तो आज की सलाह है कि सायंकाल में जब सूर्यास्त हो रहा है उस समय द्वार पर तिल के तेल का दीपक जलाएं। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके घर में लक्ष्मी अनवरत रूप से आती रहेंगी, बहुत कल्याण होगा। भाग्योदय के संग में बस इतना ही, कल पुनः किसी नए विषय पर बात करेंगे, तब तक के लिए हमें अनुमति दें। नमस्कार।